नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। इस वक्त मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, एक कंसोलिडेशन मोड में देखने को मिल रहा है। हालांकि आज नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है। आज 7 निफ्टी कंपनियों के नतीजे आने हैं, जिसमें कोल इंडिया, HPCL, ऑरोफार्मा, NTPC जैसी कंपनी शामिल है। तो नतीजों पर भी हमारी नजर रहेगी और साथ ही आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। बाजार पर एक बार नजर डाल ले तो आज अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वक्त सीमित दायरों में कारोबार कर रहा है। करीब 96 के आसपास इस वक्त बाजार ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आज कमजोरियाँ, सबसे ज्यादा कमजोरी फार्मा और रियल्टी शेयरों में देखने को मिल रही है। वहीं FMCG काउंटर्स की बात करें तो यहाँ पर आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो, बैंक निफ्टी, IT, फार्मा, ये सभी जो इंडेक्स हैं वो आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोरी आज फार्मा शेयरों में देखने को मिल रही है। कुछ निफ्टी गेनर्स पर अगर नजर डालें तो HUL आज सबसे बड़ा निफ्टी गेनर है। काफी अच्छी मजबूती आज HUL के स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिप्ला में 3% की मजबूती है। वैसे तो फार्मा शेयर कमजोर है, लेकिन सिप्ला आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। करीब 3% की मजबूती के साथ इस वक्त सिप्ला में ट्रेड दिख रहा है। इसके अलावा HDFC, पावर ग्रिड के नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों के आने से पहले अच्छी मजबूती आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा ITC, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, भारती इंफ्रा, मारुति सुजुकी, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। साथ ही ज्वेलरी स्पेस में आप देखिए, यहाँ पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। गीतांजलि जेम्स, TBZ, थंगामाइल ज्वेलरी जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर 3-5% तक का मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। अच्छी बढ़त इस वक्त PC12 ऑलमोस्ट 16% के गेंस दिखाता हुआ। आप भी किसी स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। आज के एक्सपर्ट्स सिमी भौमिक हमारे साथ है, आपके सभी सवालों के जवाब हमसे लेंगे। सबसे पहला सवाल हमें भेजा है अनिल ने, और इनका सवाल है NBCC को लेकर। इनके पास 200 क्वांटिटी है जो कि 188 के स्तरों पर ले हुआ है। सिमी, आपकी राय क्या है NBCC पर? पल्लवी, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करने का सलाह दिया जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो चार्ट है स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आज का रिजल्ट्स भी अच्छा था, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 200 से 205 का रेंज छू सकता है, और उस रेंज के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि रिसेंटली वही इसका मतलब हाई है। तो वो हाई क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो इसमें और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 220 तक का टारगेट आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कीजिए। मैं उनको होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ का पोजीशन। तो चलिए, NBCC में होल्ड करने की राय होगी। नतीजों के आने के बाद आज मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इनको भी अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ भावनगर से जुड़े हैं, दिनेश। दिनेश नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास इंदोरमा पड़े हैं, मैंने मैसेज किया है, 1000 पड़े हैं। जी जी, और नुकसान हो रहा है आपको, कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं आप? मैं साल भर तक तो होल्ड कर सकता हूँ मैडम, क्या रिव्यू रहेगा? जी बता देते हैं आपको सिमी, इनके पास इंडोरामा के शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स इन्होंने 35 के भाव पर लिए थे और एक साल और होल्ड कर सकते हैं। आज कमजोरी देखने को मिल रही है स्टॉक में, लेकिन एक साल की अगर बात करें तो आपको चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? पूजा, एक सपोर्ट के आसपास ही आ रहा है, 28 से 27 के बीच में अच्छा सपोर्ट है, वो साल भर का सपोर्ट है। चार्ट में वीकनेस है और मुझे लगता है कि उनको अगर एक साल के लिए इंतज़ार करना है तो 27-28 के आसपास एक एवरेज भी करना पड़ेगा। ओवरऑल चार्ट में 39 से 42 के बीच में रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है। अगर कोई रैली इसमें मिलता है 39 से 42 के बीच में तो वो रैली ज़रूर यूज़ करना चाहिए एग्जिट होने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है स्टॉक से। 27 के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके बैठिए और कोई रैली का इंतज़ार कीजिए, कोई रैली का इस्तेमाल कीजिए एग्जिट करने के लिए। तो कोई भी तेजी आती है इंडोरामा में से आप एग्जिट कर लें। फिलहाल 30 रुपये के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। फोन लाइन पर इस वक्त राजेंद्र हैं अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून राजेंद्र जी, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी नमस्कार सर। हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून सर, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? मैडम, एक तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपका नंबर मिलता नहीं है, मैं कई दिन से ट्राई कर रहा हूँ। कई दर्शक हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं, शायद लाइन बिजी भी रहती है, लेकिन आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं हमसे। फिलहाल बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास एक तो अक्सोप्टी फाइबर है, 3000 शेयर, 26 रुपए के हिसाब से। ओके, एक सुजलोन है, 1.5-2 साल हो गए हैं, 3000 शेयर है, 23 रुपए के हिसाब से। सुजलोन आपने 23 रुपए पे खरीदा है, ठीक है।
कितना समय देंगे दोनों शेयर्स को? इनकी क्या पोजीशन है, क्या फ्यूचर है, फंडामेंटल कैसे है, कब तक होल्ड रखूं, क्या पोजीशन है? ठीक है, या निकल जाऊं ये भी बता दें मुझे। ठीक है ठीक है, क्योंकि नुकसान हो रहा है दोनों ही शेयर्स में, तो क्या करना चाहिए इनको? सिमी आपसे जान लेते हैं, शॉपिफाई पर इनकी खरीद काफी ऊपर की है, 26 के लेवल्स पे खरीदा है और आज के स्तर देखें तो 18 रुपए के आसपास का स्तर आज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर सुजलॉन की बात करें तो 19 रुपए का स्तर आज दिखा है और आज इनफैक्ट शुरू सुबह से ही दबाव भी है सुजलॉन के ऊपर, 23 रुपए की इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए दोनों शेयर्स में, थोड़ा और होल्ड ऑन करें या फिर एग्जिट की सलाह देंगे आप? पल्लवी, एक तो आज में मुझे लगता है कि कोई रैली का इस्तेमाल करना चाहिए एग्जिट करने के लिए, चार्ट अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये ऊपर जाके सस्टेन करेगा। 21 से 22 अभी तुरंत वही रेंज जो समझ में आ रहा है इसका रेजिस्टेंस हो गया है, वो रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा भी तो भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये 26 का लेवल तक पहुँचेगा। तो इस्तेमाल कीजिए कोई भी रैली और एग्जिट कीजिए, चार्ट बुरा है, यहाँ से भी नीचे जा सकता है। इनफैक्ट 18 रुपया का जो रेंज आप देख रहे हैं, 18 से नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज हो गया तो 15 से 14 के बीच में आके सेटल करेगा, तो एक बार एग्जिट लीजिए। सुजलॉन के लिए मेरा व्यू यही है कि आप करेंटली जो भी पोजीशन आपका आपके पास है होल्ड कीजिए, हो सकता है आपका 23 का लिया हुआ है पर बहुत जल्दी आपको आपका रिटर्न दे सकता है। इनफैक्ट ये स्टॉक्स 18 से 17 के बीच में इसका मेजर सपोर्ट है, उस रेंज में आने के बाद यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि साल भर अगर यहाँ पे रखेंगे और आपने ऑलरेडी एक साल रख लिया है और साल भर रुकिए, ये आपको अपना रिटर्न तो देगा ही, इससे ज़्यादा ही डिलीवर करेगा ऐसा लगता है। अब होल्ड कीजिए सुजलॉन। ओके, तो अक्ष ऑप्टिफाइबर्स में इसे एग्जिट कर लें, लेकिन सुजलॉन में होल्ड करिए आप, जो आपके लेवल्स हैं वो आपको वापस में मिल सकते हैं और अच्छी तेजी इस स्टॉक में आगे देखने की संभावना है। गुवाहाटी से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, अजॉय। अजॉय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम पूछिए। मैं जी बिजनेस में बोलना चाहता हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू जी बिजनेस बिकॉज आई ऑलवेज लुक अफ्टर जी बिजनेस। ओके, थैंक यू सो मच फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, थैंक यू सो मच। दूसरा बात है मैडम, जी मैडम, दूसरा बात है कि जो मैं डीलिंग परचेस किया था एट द रेट ऑफ 140, तो वो अभी नीचे गिरते गिरते अभी 105 करीब आ गया। डीलिंग पे आपका सवाल है? हाँ मैडम। और ये आपने किन सरों पे लिया? 140 पे? हाँ, 135 हो सकते, 135। अच्छा ठीक है, कब तक रुक सकते हैं आप इस स्टॉक में? मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एवरेज 120% प्रॉफिट देख के बेचता हूँ। ओके ओके, चलिए सवाल ले लेते हैं आपका सिमी से। सिमी, डीलिंक के शेयर्स हैं इनके पास, आज अपने जो निचले स्तर हैं डेज लो पे इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इनको भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या राय होगी डीलिंक में आपकी, अभी होल्ड कर सकते हैं? पूजा, चार्ट अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि उनको मैं एग्जिट करने का ही सलाह दे सकती हूँ। इनफैक्ट ये स्टॉक 100 के नीचे एक बार क्लोज कर गया और लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन 100 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश वीकनेस आ सकता है जो इसको 90 से 85 के बीच में ला सकता है। तो उनको अगर मतलब एग्जिट होना है तो एक बार के लिए तो निकल सकते हैं, नहीं तो ये मेजर सपोर्ट है 90 से 85, अगर 90 से 85 के बीच में आता है तो वहाँ पे वापस देखने को मिल सकता है थोड़ा सा बाइंग, उस रेंज पर आने के बाद एवरेज करने का सलाह हो सकता है। पर फिलहाल चार्ट में सिर्फ वीकनेस ही दिख रहा है और मुझे लगता है कि 100 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए तो आप एक बार के लिए एग्जिट करना वही आपके लिए बेहतर होगा। तो कमजोरी यहाँ दिख रही है और आगे और फर्दर कमजोरी आ सकती है, कोई भी तेजी आती है अगर स्टॉक में तो आप एग्जिट करने की सोच सकते हैं। एक सवाल हमें भेजा है प्रकाश ने राजकोट से और अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर, इनका क्वेश्चन है 500 शेयर्स है 123 के स्तरों पर, क्या सलाह होगी आपकी सिमी अदानी इंटरप्राइज को लेकर? जी बिल्कुल, होल्ड करने के लिए कहूँगी क्योंकि इसमें अच्छा सपोर्ट है 110 से 105 के बीच में और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी वो रेंज टूटेगा, तो उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहूँगी 105 के आसपास, और 110 से 105 का लेवल अगर होल्ड करता है तो आपको ये 130 से 140 का रेंज वापस देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। ओके, तो अदानी इंटरप्राइजेज में होल्ड करने की राय। अगले कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं विकास। विकास नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो मैम। जी नमस्कार मैम, मेरे को पीएनबी बैंक का शेयर पड़ा है।
पीएनबी का शेयर है आपके पास? हाँ जी मैडम, 152 पे 400 शेयर। ओके, और ये कब लिया? अभी भी बेचे थे 180 पे, दोबारा फिर लिए हैं मैंने। अच्छा अच्छा, और इसलिए मैं पूछ रहा था कि इसका मैडम मैं क्या करूँ, कोई टाइम की पीरियड की प्रॉब्लम नहीं मुझे, 6-8-10 महीने, साल, डेढ़ साल जी। और आज हालांकि कमजोरी है, लेकिन पीएनबी की अगर बात करें तो लगातार ये अपने बैलेंस शीट को सुधारने का भी काम कर रही है, पिछले एक सालों में अच्छा रिटर्न भी दे चुकी है। ये स्टॉक आपने लिया कब था और कब तक आप इसे और होल्ड कर सकते हैं, बने रह सकते हैं स्टॉक में? हाँ जी मैडम, कम से कम साल आराम से। अच्छा ठीक है सिमी, साल भर के कम अगर एक साल की बात करें तो पीएनबी का स्टॉक आपको कैसा दिखाई दे रहा है? 152 पर लिया था इन्होंने शेयर, हल्का नुकसान इनको यहाँ हो रहा है, 147 के आसपास इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज कमजोरी भी है स्टॉक में, लेकिन एक साल की बात करें तो आपको चार्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं पीएनबी के? पीएनबी मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए, उनको टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, साल भर इंतज़ार करना है तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए, 140 से 135 का रेंज वॉच कीजिए, वही इसका मेजर सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद इसमें वापस बाइंग आ सकती है, चाहे वहाँ पे थोड़ा सा एवरेज कर लीजिएगा और साल भर इंतज़ार कीजिए, आपको अपना रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा। 140 से 135 के आसपास आने के बाद एवरेज करने में भी मतलब वहाँ पे भी एवरेज करने का याद रखिए, वहाँ पे एवरेज आपको करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो एवरेजिंग भी की जा सकते हैं, होल्ड ऑन करने की सलाह। एक बार नवनीत एरिगेशन को देखिए, नंबर्स आए हैं और मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 9 करोड़ से 17 करोड़ के आसपास मुनाफा रहा है। स्टॉक में फिलहाल तेजी, हालांकि एक स्पाइक के बाद कह सकते हो ऊपरी स्तरों से कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी भी 5% तक की बढ़त नवनीत एरिगेशन में देखने को मिल रही है, 176 के स्तरों पर नवनीत एरिगेशन देखने को मिल रहा है। इस वक्त सीमा है फोन लाइन पर उदयपुर से, सीमा से भी बात करेंगे, विक्रम जुड़ रहे हैं पंजाब से। विक्रम जी गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम ओमकार केमिकल है, किस लेवल पे लिया है आपने? 192। ठीक है, कितना समय और दे पाएंगे स्टॉक में? मैडम साल हो गया यार। ठीक है, एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि अभी 4% आज इंट्राडे में कमजोरी है और इनकी खरीद भी काफी ऊपर की, सिमी ऑलरेडी काफी नुकसान हो रहा है, क्वांटिटी है 5000, क्या सलाह रहेगी आपकी ओमकार स्पेशलिटीज में, क्या करना चाहिए अभी? पल्लवी चार्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेली चार्ट, आज इसमें इतना करेक्शन क्यों है समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आज रिजल्ट्स आया है, अगर रिजल्ट्स आया उसके बाद ये स्टॉक गिर पीटा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंतज़ार करना है। ये वापस इसका मेजर सपोर्ट 180 से 174 के बीच में है और उस रेंज के आसपास आने के बाद ये वापस बाइंग अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये चार्ट में अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है डेली चार्ट में, इसलिए मैं आपको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, पर मैंने आपको मेजर सपोर्ट एरिया बता दिया है 180 से 75, अगर उसमें रेंज में आने के बाद ये स्टॉक सपोर्ट लेता है तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, पर अगर वो रेंज टूट गया तो इसमें चार्ट में जो भी स्ट्रेंथ अभी भी है मौजूद डेली चार्ट में वो नेगेटिव हो जाएगा, तब आपको निकल देना पड़ेगा, फिलहाल आप होल्ड कीजिए अपना स्टॉक। ओके, तो फिलहाल होल्ड करने की राय होगी ओमकार स्पेशलिटी में। अगले कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, राम सिंह। राम सिंह नमस्कार। नमस्कार मैम जी, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास मैडम गुरु फाइनेंस है, 300 शेयर है। ओके, 355 में लिया था मैंने, अब ये 400 से ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, तो क्या मैं इसको सेल आउट कर दूं या इसको होल्ड करूं, इसका थोड़ा फंडामेंटल भी थोड़ा बता दें जी। ग्रू फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये, और इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के अगर प्रदर्शन देखें तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सभी कंपनियां, लेकिन आपकी खरीद काफी अच्छे लेवल पर है और अच्छा मुनाफा भी आपको यहाँ हो रहा है, कब तक बने रह सकते हैं स्टॉक में? मेरे को अगर मुनाफा मिलता है तो साल दो साल और रुक जाऊंगा। ओके चलिए, अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म व्यू है आपका। सिमी से राय ले लेते हैं स्टॉक पर। सिमी, ग्रू फाइनेंस के शेयर्स हैं इनके पास, 300 शेयर्स लिए थे, 355 की इनकी खरीद थी और आज 393 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 400 के नीचे आ चुका है जो कि इनका कहना भी है, और लेकिन ये स्टॉक को एक दो साल के लिए और होल्ड कर सकते हैं, एक दो साल के लिए सिमी कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको चार्ट्स?
देखो, एक दो साल के लिए अगर होल्ड करना है तो मुझे लगता है टाइम इनको देना चाहिए, क्योंकि चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है और पूरा सेक्टर जब परफॉर्म कर रहा है सारे पैरामीटर से होल्ड ही समझ में आ रहा है। स्ट्रेंथ है 380 से 75 के बीच में नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है। हालांकि ये स्टॉक 400 के नीचे होल्ड कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत वीकनेस पैदा हो चुका है, मतलब शॉर्ट टर्म चार्ट में। पर इस वीकनेस में ये स्टॉक हो सकता है 10-20 पॉइंट और नीचे चला जाए। 375-80 ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया होगा, पर आपका खरीद से काफ़ी ऊपर ही है मेजर सपोर्ट एरिया, इसलिए मैं आपको होल्ड करने के लिए कह रही हूँ। अगर वो रेंज होल्ड करता है तो वहाँ पे आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, ये आपको वापस अच्छा रिटर्न दिलवा सकता है। इनफैक्ट जो 430-40 के आसपास ये हाई बना था ये वापस जा सकता है, मतलब चार्ट में स्ट्रेंथ है, आप होल्ड कीजिए। ठीक है, होल्ड ऑन करने की सलाह आपको दी गई है। सीमा इस वक्त है उदयपुर से अपना सवाल पूछने के लिए। गुड आफ्टरनून सीमा, बताइए क्या जानना चाहती हैं। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, ना बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास। मेरे पास एक तो टाटा ग्लोबल के शेयर है और एक एक्शन कंस्ट्रक्शन है। ओके, दूसरा स्टॉक जो आपने बताया एक बार उसका नाम और किस भाव पे आपने लिया है। एक्शन कंस्ट्रक्शन। किस लेवल पे? हाँ मैडम, तो मैं ये 3 साल से होल्ड कर रही हूँ, इनका क्या टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा? टाटा ग्लोबल आपने 149 पर खरीदा है, कितना टाइम से आप होल्ड कर रही हैं और कितना समय इसको दे पाएंगी? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन टाटा ग्लोबल ये इनफैक्ट टाटा समूह की कंपनी टी और कॉफी कारोबार में, इनकी खरीद 149 के लेवल्स की है, 3 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है हर शेयर पे, आज के सेशन में 0.5% की कमजोरी है। सिमी सलाह क्या है आपकी, कब तक होल्ड ऑन करना चाहिए टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के अंदर? देखिए, मुझे लगता है उनको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा बहुत वीकनेस तो पैदा कर चुका है चार्ट्स पर, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। सपोर्ट नेक्स्ट 140 से 139 के बीच में है और वहाँ पे इसका 200 डेमा भी है, लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है वो 139, और मुझे लगता है कि उस रेंज के आसपास आने के बाद ये स्टॉक ज़रूर सपोर्ट लेगा, तो उनको मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ टाटा ग्लोबल में। एक्शन कंस्ट्रक्शन उनके पास है और इसका चार्ट में वीकनेस है, मुझे लगता है कि 60 के नीचे का क्लोजिंग आपको देखना है, अगर ये 60 से नीचे क्लोज कर गया तो वीकनेस फ्रेश इसमें देखने को मिलेगा, करीब 8 से 10 रुपया का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर 60 से नीचे ये क्लोज नहीं देता है तो आप बने रह सकते हैं, 60 के नीचे का क्लोजिंग इसके लिए थोड़ा सा और वीकनेस पैदा करेगा। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन में 60 के नीचे अगर ये स्टॉक और जाता है तो और वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस कल नतीजे भी है, नतीजे से पहले देखिए स्टॉक में हल्की कमजोरी के साथ आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है।